संघटना सर्वनाम क्या है, ये पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी उसमें हो चुका है पहली वीडियो में। अब करेंगे दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। इनसे ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिनसे हमें किस निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे यह मेरी घड़ी है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, ये सभी दोस्त मेरे हैं। ये सभी दोस्त मेरे हैं। ये सभी मेरे दोस्त हैं। इसलिए ये और यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल इसका विपरीत होता है निश्चयवाचक का। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बोध नहीं होता, यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते, जैसे बाहर कोई खड़ा है, पिताजी आपसे कोई मिलने आया है, पिताजी आपसे कोई मिलने आया है। अब यहां देखो, दोनों जगह क्या आया है? कोई कोई। ये क्या है दोनों जगह? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, वहां कुछ गिरा है। वहां कुछ गिरा है तो कुछ कुछ भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसलिए कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है, आगे हम करेंगे प्रश्नवाचक। कौन सा करेंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न करते हैं, जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं। किसके विषय में? संज्ञा के विषय में। जिनसे हमें किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है, जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में बोध होता है। ठीक है, फिर से इसको दोबारा सुने बेटा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध कराएंगे? प्रश्न का। जैसे माताजी बाजार कब जाएंगी? कब? माताजी बाजार कब जाएंगी? ठीक है, इसके बाद है, इस घर में कितने सदस्य हैं? इस घर में कितने सदस्य हैं? आगे है, माँ ने क्या बनाया है? माँ ने क्या बनाया है? तो यहाँ कब, क्या, क्या है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन। आगे है, तो यानी कोई, कौन, कब। ठीक है, कौन, फिर से सुने, प्रश्नवाचक कौन, कब, क्या है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक। कौन सा सर्वनाम आ गया? संबंधवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। फिर से सुने, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं।
जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां देखो क्या दो से दो इसमें मिलेंगे सर्वनाम, जिसकी उसकी, क्या है ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम। आगे इसी का उदाहरण देखें, जो बढ़ेगा वो पास होगा। अब यहां देखें जो और वो, जो वो क्या है ये संबंधवाचक, इन दोनों का आपस में क्या है संबंध, क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा इत्यादि, तो इस प्रकार से ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम। अब है यहां नीचे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं यानी अपने आप के लिए, ऐसे सर्वनाम जो कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, खुद और स्वयं और अपने आप, क्या क्या आ जाएगा, खुद स्वयं अपने आप। कैसे वाक्य बनाएं, मैं खुद अपना निबंध लिखूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप अपना सारा कार्य करूंगा, इस प्रकार या स्वयं अपनी परीक्षा दूंगा, इस प्रकार से ये सर्वनाम के सभी भेद आपके हो गए।